ओके सो ई ने फाइनली कंफर्म कर दिए हैं कुछ न्यूज़ेस एंड आज के दिन हम उन्हीं न्यूज़ेस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये न्यूज़ेस है एपेक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में जो कि ई का अपकमिंग बैटल रॉयल मोबाइल वर्जन गेम होने वाला है एंड इसके क्लोन के बारे में भी बात करेंगे कि भाई कैसा है इसका क्लोन एंड इतना ही नहीं यार एंड में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर आपने आज वाला वीडियो यार स्किप कर देना तो समझ लो आपने बहुत कुछ स्किप कर दिया। सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है पीजे एंड आप सभी का स्वागत है हाइट्रा गेमिंग पर जहां हम ऐसे ही गेम्स से रिलेटेड यार न्यूज लाते रहते हैं आप सभी के लिए। एंड यार अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो एंड उसके बगल में जो टल्ली होती है ना यार उसको भी दबा दो ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो स्किप ना कर पाओ। सो गाइस लेट्स बिगिन। तो भाई लोग कैसा लगा ना इंट्रो कमेंट करके जरूर बताना। तो पीसी गेम्स को मोबाइल पे लाने का मेन रीजन यही है कि भाई जो 2019 में गेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो अर्निंग की है ना तो वो मोबाइल मार्केटिंग ने ही की है जो कि हमारे पीसी से भी ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली यार एक कंपनी को चाहिए होता है पैसा जो कि उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है मोबाइल्स में एंड इसलिए जो है बड़े बड़े गेम्स का जो है मोबाइल वर्जन आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा जो एपेक्स लेजेंड है उसका भी मोबाइल वर्जन आने वाला है जिसको ईएनएआर कंफर्म कर दिया कि वो टेंसेंट गेम्स के साथ या टेंसेंट कंपनी के साथ यार काम कर रहे हैं इस गेम को बनाने के लिए। एंड अगर आपको नहीं पता कि भाई टेंसेंट क्या है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो भाई टेंसेंट वही कंपनी है जिसने हमारा पबजी मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बनाया है एंड इसको पब्लिश किया है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब जो हमारा जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है ना यार उसने अभी तक 87 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं एंड 172 मिलियन डाउनलोड्स उनके जो है हो चुके हैं प्ले स्टोर पर, वो भी सिर्फ 2 महीनों के अंदर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है वो अभी तक चाइना में लॉन्च या फिर रिलीज नहीं हुआ है। एंड गाइस माना जा रहा है कि ये जो एपेक्स लेजेंड मोबाइल वर्जन है इसको टिम्मी स्टूडियोज डेवलप कर सकता है क्योंकि टिम्मी स्टूडियोज ही जो है मेनली बड़े बड़े गेम्स पे यार डेवलप करता है एंड जो है मतलब पब्लिश करता है टेंसेंट गेम्स के लिए। इफ़ अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर हम सब एपेक्स लेजेंड मोबाइल को कब तक देख पाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये जो गेम है इसी साल लॉन्च होने वाला है। हालांकि जो ईए था वो इस गेम को पिछले साल ही ऐसा बीटा वर्जन के लिए लॉन्च करने वाला था ताकि आप सब लोग जो है इस गेम के बारे में फीडबैक दे पाओ एंड बट ड्यू टू सम रीजंस ये गेम नहीं आ पाया पिछले साल, तो दैट्स वाई ये गेम जो है इस साल प्रोबेबली आ सकता है। एंड इफ अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप इस गेम को कब तक प्री रजिस्टर कर पाओगे, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इस गेम के प्री रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं एंड अगर आप इस गेम को प्री रजिस्टर करना चाहते हो ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जो है न्यूज़ आपको सबसे पहले पता चल जाए तो आप इस गेम को प्री रजिस्टर कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से जाके आप इस गेम को सिंपली प्री रजिस्टर कर सकते हो। वैसे तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हें सबसे पहले न्यूज़ देने के लिए, खैर। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, यानी कि मतलब कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कितना रैम या फिर कितना रोम होना चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि आपके फ़ोन में पबजी मोबाइल या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल चल जाता है तो 100% गारंटी है कि ये गेम भी जो है ऑब्वियसली वर्क कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये लोग अगर गेम को ज़्यादा हाई एंड बना देते हैं तो गेम यार सीधा सीधा फ्लॉप हो जाएगा जस्ट लाइक फोर्टनाइट मोबाइल। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये गेम क्रॉस प्ले के साथ आने वाला है। अब क्रॉस प्ले क्या होता है, तो मान लो कि यार तुम पे एपेक्स लेजेंड मोबाइल है यानी कि तुम एपेक्स लेजेंड को मोबाइल में खेल लो एंड तुम्हारा जो फ्रेंड है उस पे एपेक्स लेजेंड एक्सबॉक्स में वो खेल रहा है एंड जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो इस गेम को PS4 में खेल रहा है, तो तब भी यार आप सब लोग मिल के इस गेम को जो है एक साथ खेल पाओगे एंड इसी को यार क्रॉस प्ले कहते हैं। एंड ये को इतना टाइम इसलिए लग रहा है इस गेम को बनाने के लिए क्योंकि वो क्रॉस प्ले का फीचर जो है इस गेम में वो जो है मतलब डाल रहे हैं, इसलिए उनको इतना टाइम लग रहा है इस गेम को बनाने के लिए। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है क्रॉस प्ले का ये हमें सिर्फ फोर्टनाइट में ही देखने के लिए मिलता है। सो यार यही थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सभी को देना चाहता था एंड
अब मैं बात करने वाला हूँ एपेक्स लेजेंड के क्लोन वर्जन जो कि मोबाइल पे आया है, यानी कि एरा कॉम्बैट के बारे में। सो गाइस, ये जो गेम प्ले आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस ये गेम प्ले मतलब एपेक्स लेजेंड के क्लोन का बताया जा रहा है। एंड इस गेम को मतलब एपेक्स लेजेंड का क्लोन बताया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। एंड इस गेम को खेलते समय यार आपको पूरा तो एहसास नहीं होगा कि आप एपेक्स लेजेंड ही खेल रहे हो, मत थोड़ा बहुत फील यार ज़रूर होगा कि यार हाँ यार कुछ तो है इस गेम में जो कि इस गेम को एपेक्स लेजेंड की तरह बनाता है। एंड अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो नीचे यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने इसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर दी है। एंड इस गेम का साइज़ बहुत कम है, 200-300 MB के आसपास ही है। एंड ये मैं समझो कि जो रियल एपेक्स लेजेंड आएगा, रियल एपेक्स लेजेंड मोबाइल जो आएगा वो भी इतने ही MB का होगा। नहीं यार, वो 1 GB या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। सो गाइस, फाइनली आप बात कर लेते हैं उस सरप्राइज़ के बारे में जो कि मैं आप सभी को देना चाहता था। तो वो सरप्राइज़ है GTA 4 ऑन मोबाइल। गाइस ज़्यादा खुश मत हो, ये गेम जो है रॉकस्टार गेम वाले नहीं बना रहे हैं, इस गेम को दूसरी कंपनी बना रही है। क्योंकि मतलब जो रॉकस्टार गेम्स है वो अभी अपना पूरा फोकस है GTA 6 पे ही दे रहे हैं। एंड ये GTA 4 को जो है, ये GTA 4 का क्लोन वर्जन है जो कि न्यू गेम्स कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी बना रही है। एंड इसी साल ये आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि मतलब ये गेम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा मेरे को, एंड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगा, बिल्कुल GTA 4 के सिमिलर ही लगा। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ नए अपकमिंग गेम्स जो कि इसी साल आने वाले हैं, एंड बहुत ही बड़े गेम्स हैं यार ये भी। तो गाइस, जो हमारा पहला गेम आता है उसका नाम है पोकेमोन होम, दूसरा का नाम है ईव एकोस, फोर्जा स्ट्रीट, कार्स गो। तो यार गाइस, आज का वाला वीडियो यार यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर अच्छा ना लगा हो तो भाई डिसलाइक कर देना, लेकिन यार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ। तो मिलते हैं आपसे नए और एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड पीस आउट। इट्स योर बॉय हाइड्रा साइनिंग आउट।